हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है घर से और मैं हो चुकी हूँ रेडी। मेरा नहाना धोना सब हो चुका है और मेरा लड्डू बेटा भी नहा चुका है। ये बैठा मेरे बराबर में बैठा है मेरा लड्डू। ये नहा लिया, धो लिया, इसने अपनी पगड़ी पहन ली, अपने बाल लगा लिए, अपनी बांसुरी ले ली, अपने चूड़ी पहन ली इसने पूरा। और ये पानी पी चुका है, चाय पी चुका है मेरा लड्डू। और ये इसको बिठा दिया मैंने रेडी करके। और अब मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि बेटी को जब पथरी का दर्द उठा था ना, तो उन्होंने डॉक्टर ने एक दवाई लिखी थी, ये वाली जो उसको 3 महीने पीनी थी दवाई। लेकिन ये जब पीती है ना, तो इस दवाई को पीने के बाद में ना बहुत बीमार हो जाती है ये, क्योंकि इस वजह से ये इसको ले नहीं रही है। 1 महीना हो गया, 1 महीने में ये इसको मुश्किल से कितनी बार लिया महक तूने? 4-5 बार लिया। और जितनी बार लेती है ना, उल्टियाँ लग जाती है इसको, और जो खाती है ना वो भी पूरा बाहर आ जाता है। और गैस इतना एसिडिटी बनाती है, इतनी गैस बनाती है कि मेरी लड़की कुछ भी नहीं खा पाती सुबह से लेकर शाम तक। बस उल्टी, मतलब बेड पे उल्टी उल्टे होके लेटती है। तो ये इतनी हालत ख़राब कर रही है ये इसकी दवाई। तो मेरे को एकदम से याद आया कि क्यों ना हम डॉक्टर के वापस जाके उसको पूछ कर आते हैं कि भाई इसके अलावा कोई और दवाई लिख दो, क्योंकि अगर ये दवाई नहीं लेगी तो वो पथरी तो निकलेगी भी नहीं, क्योंकि वो 10 mm की तो पहले ही बन चुकी है, इतनी मोटी है, वो फंसी हुई है। अगर ये सब चीज़ें नहीं लेगी तो वो कैसे टूटेगी और कैसे निकलेगी? तो इसीलिए हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल अभी अभी। अचानक ही हमारा शाम में प्लान बना था। एक्चुअली क्या हुआ था ना, शॉप पे मेरे पास एक मेरी ग्राहक आई थी, तो मैंने उसको बताया कि भाई कैसी हो रही है महक, महक बहुत है ना पतली पतली लग रही है मेरे को, उसने ऐसे बोला। तो मैंने बोला यार इसको पेन वन उठ गया था पथरी वथरी का, मैंने उसको स्टोरी बताई सारी। तो उसने बोला कि फिर मैंने बोला, मैंने कहा दवाई जो दी ना उन्होंने उससे उल्टियाँ लगती है। तो उसने मेरे दिमाग में एकदम से बोला कि आप वापस जाओ उस डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर कोई और दवाई लिखेगा। जब से मेरे दिमाग में ही नहीं थी ये बात, उसके कहने से मेरे दिमाग में बात आई कि हाँ भाई हम दोबारा डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो बस मैं हो चुकी हूँ रेडी। और ये हो रही है बेटी, ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसका ये रात में नहाई थी तो ये कह रही है मम्मी अब नहीं नहा रही। मैंने कहा चल छोड़ अब नहीं नहाना तो कोई बात नहीं, क्योंकि रात में नहा के सोई थी। तो मैंने कहा चल ब्रश वगैरह कोलेजन कर दे। अब ये कर रही है स्किन केयर, ये देखो ये ऐसे लगाती है टोनर, बहुत दूर से लगाते मुझसे नहीं लगता। तो बस मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मार्टिन को आज सुबह सुबह मार्टिन के साथ भी बहुत वो हो गया। मार्टिन हमारा जा रहा था सुसु पोटी करने और एक कुत्ते ने हमला कर लिया उसके पीछे से, तो उसको भी काट लिया। मार्टिन के भी थोड़े से दांत वात लग गए उसके। लाई हूँ बिस्किट, क्योंकि मार्टिन है ना सुबह से लेटा हुआ, जब से आया है दूध पी लिया इसने भी, और इसको भी बिस्किट वगैरह दे चुकी हूँ। और ये उठता है जब इसको ये बिस्किट देती हूँ तो उसको लालच होता। तो ये देखो अब भाग कर आया, तो मैंने इसको बुलाया आप लोगों को चोट दिखाने के लिए। तो देखो अब आया भाग कर, तो बिस्किट की आवाज़ आई है। कटोरी में डाल दो ना बिस्किट, ले ले ये देखो ऐसे करके डालती हूँ तो ये ले पकड़। और मैं इसको आपको दिखाती हूँ इसकी चोट लगी है मार्टिन की चोट, ये देखो ये उसने काट लिया है मार्टिन के उस डोगी ने। और इसको लेके जाएगा बेटा डॉक्टर। ये देखो मार्टिन क्या हुआ इधर ले। और ये मार्टिन हमारे इतना शरीफ है और इसकी चोट लगती है, वो देखो वो लगी हुई है इसकी चोट यहाँ पर। और मार्टिन है ना जल्दी से किसी कुछ कहता भी नहीं है ना, बेटी नहीं कहा था ना तूने, नहीं छेड़ा था ना, नहीं छेड़ा था ना तूने नहीं छेड़ा था ना किसी को भी। अब ये ना मार्टिन हमारा छेड़ता नहीं, फिर भी मार्टिन को काट लेते हैं नीचे। और ये लिए मैंने कागज हॉस्पिटल के, और ये खड़ी है बेटी पार्किंग के लिए, पार्किंग का गेट पकड़ के। और बेटा निकाल रहा है गाड़ी, और इतनी ज़्यादा धूप हो गई है और इतनी मट्टी उड़ रही है कि बस ये साइड वाला मकान बन रहा है। पूरी गाड़ी हर दो दिन में सफाई होती है और 2 दिन में वही गंदी हो जाती है कि अचानक तो हम गाड़ी निकाल ही नहीं सकते। अगर कहीं जाने लगे ना तो 10 किलो मट्टी जम जाती है इसके ऊपर, कम से कम 1 घंटा चाहिए इसको फिर सफाई करने के लिए। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि चारों तरफ डस्ट डस्ट। एक झाड़ू वाली आई है, झाड़ू लगा दी गली में, वो पूरे में मट्टी उड़ा के चली गई। और क्या करें, बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है। और इसमें टायर में शायद हवा भी कम है। दीदी ने कर दिया पार्किंग का दरवाज़ा बंद, और इनका भी हो रहा है जी ख़राब। और इनको रात को फीवर हुआ था, अब कैसा तेरा फीवर है? ठीक है, ये देख कैसे डस्ट गिर रही है। देख अब हम निकल गए घर वाली गली से बाहर। ये हम आ गए हैं आगे जाके थोड़ा सा, मेट्रो स्टेशन हमने पार कर लिया और अब हम आ गए इस वाले रोड पे, सीधा जाएगा हॉस्पिटल। और इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही है ना, इतनी डस्ट उड़ रही है, चारों तरफ झाड़ू निकालने वाले लगे पड़े हैं पूरा। इतनी हालत ख़राब रखी है सुबह सुबह, क्योंकि ये लोग सुबह जल्दी तो आते ही इस टाइम आते हैं, तो बस वही डस्ट वस्ट उड़ रही है। अब पहुँचते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा हम लोग।
और 8:30 बजे के आसपास पर्ची बनती है, और अभी 8:30 तो हमें यहीं हो गए, क्योंकि यहाँ रोड पे निकलने का मतलब है 1 घंटा तो आपको ट्रैफिक में फंसना है, और अभी ट्रैफिक लगा हुआ बहुत ज़बरदस्त। हम आ गए हॉस्पिटल के अंदर, बेटा गया पार्किंग में गाड़ी लगाने, वो ऐसे बोला कि मम्मी आप फटाफट जाओ जब तक हम लोग पर्ची की लाइन में लगेंगे दोनों मम्मी बेटी, जब तक वो पार्किंग में लगा के आ जाएगी, क्योंकि पार्किंग है ना बहुत अंदर जाके और बहुत बड़ी पार्किंग है इस हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये लगा लो कम से कम 15 मिनट लगेगी इसको आने में वापस, 10 से 15 मिनट जब तक हमारा नंबर आ जाएगा, हम पर्ची उर्ची कटवा के डॉक्टर से मिलने के लिए उस लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि ना यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, तो ये लगा लो कि 2-2, 3-3 जने हो ना तो ये आपको आपका जल्दी से आप फ्री हो सकते हो हॉस्पिटल से। ये लाइन में और इसने पहना है मास्क, अब हमारी बन गई पर्ची और हम ज़रा लगाया मास्क, बहुत ख़राब हो रही है, गेट पे रुक लिया कि भाई मास्क लगाना है, तो वहीं से मेडिकल स्टोर से खरीदे हमने 3 मास्क, एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए, एक मैंने अपने लिए, सांस फूल रहा है क्योंकि आदत छूट चुकी है और अब तो केस फिर दोबारा कोविड के बढ़ने लगे। इंतज़ार, और डॉक्टर आ चुके हैं, बैठे हुए हैं अंदर डॉक्टर, और ये दोनों बहन भाई कर रहे हैं इंतज़ार, फिर जाएंगे अंदर। बच्चे कर रहे हैं वहाँ पे इंतज़ार डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर आ चुके हैं, और मेरे को वहाँ पे काउंटर पे बोला था हम लोगों को जब पर्ची बनाने गए थे कि भाई डॉक्टर कितने बजे तक आएंगे, उन्होंने बोला 9:30 बजे, तो मतलब 9 बजे डॉक्टर आ चुका है और वो देख रहा है किसी पेशेंट को, और फिर अगला नंबर हमारा है, बेटा और बेटी लगे वहाँ पे। अब हम हो गए फ्री और हमने दिखा दिया डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोला कि भाई दूसरी दवाई लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसको सूट नहीं कर रही वो दवाई, इसीलिए उसने लिख दी दूसरी, और कह रहा अगर ये भी नहीं करेगी तो आपको खाने पड़ेंगे टैबलेट, तो उसके लिए फिर दोबारा हमें आना पड़ेगा अगर सूट नहीं करेगी तो। अभी तो देखते हैं दूसरी, और अंदर तो मिली नहीं, ये मिलेगी बाहर। अब हम आ गए यहाँ पर छाया में, और वो गया है बेटा पार्किंग से गाड़ी लेने, और यहाँ नहीं मिली दवाई, वो लाएगा कहीं और से, देखता है वो कहाँ से लाएगा, बाहर में मेडिकल स्टोर है ना हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ से ले लेगा। और मास्क वास्क तो आप लोग पहन के ही निकलना, क्योंकि मास्क को लेके तो बड़ा पंगा है, क्योंकि हॉस्पिटलों में जाना तो अपना मास्क वास्क कहीं भी रखा आप लोगों ने तो ढूंढ लेना, क्योंकि मास्क के बगैर हम लोग आ गए तो हमारे लग गए 30 रुपीज़, और हमारे घर पर मास्क पड़े हुए थे, तो ये अगर कभी भी कहीं पर भी जाओ तो अपना रख लेना अपने पास, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और लगाना भी चाहिए हम लोगों को। ये आ गया लेके, बैठ गए हम गाड़ी में, अब चल रहे हैं घर, घर जाएंगे क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो जाके चाय और पीऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह मैं सिर्फ 1 कप चाय पी कर आई हूँ, बच्चे ने तो कुछ खाया ही नहीं, इनको तो तुरंत मैंने जगा लिया कि भाई तुम लोग पहले हॉस्पिटल चलो, क्योंकि हॉस्पिटल का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और खाना पीना छोड़ो, खाना पीना आके खा लेंगे, तो अभी इनको ले जाके नाश्ता वास्ता कराऊंगी, और मैं भी 1 कप और चाय पीऊँगी, क्योंकि 2 जब तक पीती हूँ जब तक चैन नहीं पड़ता। ये है बेटा दवाई लेना, यहाँ पे मिलेगी वो सीरम, क्योंकि अंदर तो मिली नहीं, अंदर ख़त्म हो रखी थी हॉस्पिटल के, तो फिर उन्होंने बोला बाहर से देखो आप। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ इंतज़ार गाड़ी में बैठे बैठे, और उसको मिल नहीं रही है, मेडिकल स्टोर वाला ढूंढ रहा है वो सीरम, और लग गया टाइम, अभी हो गए 5 मिनट हो गए बेटे को सामने सामने है, और मेरा हो रहा जी ख़राब, क्योंकि मास्क पहन लिया ना तो एकदम से घुटन हो रही है, उल्टी जैसा भी जी हो रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो गया, मतलब गर्मी ना बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी, क्योंकि अब मौसम ऐसा चेंज हो रहा है कि इतनी हालत ख़राब हो जाती है, बाहर जा नहीं सकते, और निकलते हैं तो इतना सर दर्द, उल्टी जैसा जी, और जी घबराना, क्या करें। आ जा बेटा, मिल गया बेटा, चलो जी मिल गई फाइनली, दिखा कौन सी है, ये मिली है। हम यहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए, तो हम आ गए घर वाली गली में, मतलब ये मेन रोड है हमारा, अंदर जाके गली है इसमें हम लोग आ गए, और बेटा गया है गाड़ी की वो करवाने, मतलब वॉशिंग करवाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है गाड़ी हमारी, सड़ रही है अंदर से, क्योंकि जब मथुरा वृंदावन गए थे ना उससे पहले भी नहीं करवाई, और जब एक दिन वहाँ गए थे ना हम इंडिया गेट वगैरह नाइट में गए थे जब हमने वो करी थी ना गंदगी उसमें, वो अभी तक भी पड़ी है ऐसे कैसे, तो मैंने बोला बेटे से बेटा इसको वॉशिंग करा लो, तो कहने लगे मम्मी टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बच्चे भी बेचारे क्या करें, बहुत सारा काम है उसको भी, पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहा है कॉलेज वॉलेज का भी, और फिर घर का भी बहुत सारा काम हो जाता है, मार्टिन को भी 2 बार चोट लग गई, तो मार्टिन को भी लेके गया था, अब आज भी लेके जाएगा मार्टिन को। और इसको ना फिर हल्का हल्का फीवर भी हो रहा है बहुत जोर से, मतलब हल्का हल्का बहुत जोर से कह रही हूँ, हल्का हल्का सा हो रहा है, तो ये करेगी रेस्ट, मैंने कहा चल तू रेस्ट कर ले, मैं चल जाऊंगी शॉप पे। मेरा बेटा जब से बैठा हुआ है मैं बिठा के गई हूँ यहाँ पर, और राधे राधे सुन रहा है मेरा बेटा, मेरा लड्डू लाई हूँ मैं बना के, ग्लूकोज
इसमें ये बेटी के लिए और ये मैं अपने लिए, बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है, चक्कर आ रहा है सुबह से, और ये है मेरे लड्डू के लिए, और हम पियेंगे तीनों जने, पिला रही अपने भैया को लड्डू। गले में खारिश हो रही है, गिरा रहे हैं भाई। भाई छोटा लड्डू है ये मेरा, ये मेरा छोटा छोटा लड्डू, दिल दिल पिला दीदी, ज्यादा जोर से मत पिला, मेरे मुंह में अटक जाता है पानी। बैठे मार्टिन भाई सब, इनका भी मनोरा साथ जाने का, साथ चलना है, साथ चलना है तुझे भी लड्डू के साथ चलना है। ये देखो ये भी खुश हो रहे हैं कि चलो मुझे भी साथ ले लो। अब बेटा दोनों दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगी मैं दुकान पे, और मार्टिन भी हो रहा था तैयार मेरे साथ गोदी आने के लिए, क्या करूं, मेरे दो दो बच्चे हुए छोटे छोटे, तो मार्टिन भी ऐसे वैसे कर लिया, मैंने मना किया ना मार्टिन को कि नहीं मार्टिन बेटा तू मत चल, क्योंकि उसका भी बड़ा मन होता है मेरे साथ घूमने का। भैया करवा के वॉशिंग पर जल्दी आ गया, जल्दी करा के सही है, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था इतनी जल्दी वॉशिंग हो जाती है, और ये चमका के लिया है, चकाचक बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी शोरूम से निकल गई है, बहुत सफाई हो गई अंदर से, एकदम चमक गई है, एकदम चकाचक पूरी, और अब आज इसको करा के लाया, और कल देखना आप, कल कम से कम 1 किलो मिट्टी जम जाएगी इसके ऊपर, तो वो ये यहाँ पे, चल बेटा मैं पकड़ लूँगी, चलो अभी पकड़ा है मैंने पार्किंग का गेट, और अब गाड़ी अंदर करेंगे, जाएंगे स्कूटी से। अब मैं आ गई हूँ शॉप पे, और एकदम से कूड़े की गाड़ी आ गई, जैसे मैं आके बस शॉप मैंने खोली थी उससे जब तुरंत ही कूड़े की गाड़ी आ गई, तो मैंने वो भी डाल दिया कचरा अपने दुकान का भी, क्योंकि कल परसों में काफ़ी वैक्स किए हैं मैंने, वैक्सिंग बहुत की है, तो पूरा वो भी भरा पड़ा था, तो मैं फेंक चुकी हूँ, और मैंने यहाँ से डस्टिंग तो कर चुकी हूँ, आज मैंने यहाँ से रगड़ रगड़ के कपड़े को धो के, डस्टिंग के कपड़े को धो के उसमें मारा है, और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था ये पूरा लगा दी, अब बस झाड़ू लगानी है और पोछा लगाना है। फ्रूट ब्लीच नेचुरल्स कंपनी की, यहाँ घुल गई ब्लीच, लगा रहे हैं ये, लगा दी ब्लीच, लगाइए बैक में भी, मसाज हमारी हो रही है जाने की तैयारी, और मेरा हो गया सारा काम, भाभी का भी पूरा पैकेज कर दिया, और दो तीन ग्राहक और मेरे आ गए थे, उनकी थ्रेडिंग अपर लिप फॉरहेड बना चुकी हूँ, और इसने करा है बेटे को फोन, क्या वो भैया को उसकी उठ रही खांसी, इसकी उठ रही है खांसी, आ रहा है कि अपन चले 15 मिनट तो बहुत टाइम हो जाएगा बेटा, चलते अपन शटर डाउन करते हैं, तो हम लोग कर रहे हैं जाने की तैयारी, और बेटे के पास फोन कर 15 मिनट में आएगा वो, और मार्टिन को फिर बाद में लेके जाएगा, मैंने फ़ोन करके पूछा था कि बेटा क्या हुआ मार्टिन को चोट को, क्योंकि सुबह में मार्टिन को चोट लग गई थी, तो बेटा कह रहा है कि मम्मी 8 बजे के बाद, 9 बजे के या 8:30 बजे के बाद में आएगा डॉक्टर, यहाँ पर हमारे यहाँ पर है उसका क्लिनिक, और एक वो और कहीं है उसका क्लिनिक, दो है मतलब, तो वो कभी इस दुकान पर बैठता है कभी उस दुकान पर बैठता है, तो वो 9 बजे के बाद में मार्टिन लेके जाए, वो भैया लेके जाएगा मार्टिन को डॉक्टर के पास, फिर इंजेक्शन लगेगा उसको, और बस वही कर रहे हैं तैयारी, मेरे का थोड़ा टाइम चल जाएंगे, तो खाना वाना बना देंगे, और 8 बजे के बाद में मेरे लड्डू सोने लग जाता है। चल चुकी हूँ दुकान से बाहर, और ये बीबी भूल गई चप्पल अपनी, ये पहना ही दुकान वाली चप्पल, और अब इसको एकदम से याद आ गई, नहीं तो चप्पल चेंज करने लग गई, और अभी आ गई चेंज करें, याद आ गई, शुक्र करो याद आ गई, वरना इतनी बड़ी बड़ी चप्पल थी, एक हाथ जितनी बड़ी बड़ी चप्पलें थी, उनको पहन के तू कैसे जाती, और अब हम निकलेंगे पैदल पैदल, क्योंकि बेटे ने कर दिया मना कि भाई वो 10-15 मिनट में आएगा, तो मैंने बोला कि वो तो उसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो छोड़ मना कर दे, हम पहुँच गए आधे रास्ते, और बेटे को तो कर दिया था पहले ही मना, अब मेरा मन हो रहा था गोलगप्पे खाने का, लेकिन इसने मना कर दिया बेटी ने कि भाई मेरे गले में दर्द हो रहा है, क्योंकि इसकी खांसी उठ रही है, अब मेरे को अकेले खाने का नहीं, अकेले खाने ना अच्छा नहीं लगता कि भाई अकेला खाना, अगर ये खाती तो मैं भी खा लेती, लेकिन अब ये मना कर दी तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, फिर अब हम जा रहे हैं, अब हम नहीं खा रहे गोलगप्पे, और निकल रहे हैं, आप घर का रास्ता रहेगा सिर्फ 5 मिनट का रास्ता रहेगा, बस पैदल पैदल चले जाएंगे। ये है लड्डू अंदर मत्था टेकने भोलेनाथ के पास गए हैं लड्डू जी,
छोटू करके आया दर्शन, मंदिर में गया था क्योंकि उनको बहुत ज्यादा, जहाँ वो मंदिर देखते ना, जहाँ मंदिर देखता है हमारा लड्डू वही घुस जाता है फटाफट। अभी दो दिन पहले भी वहीं से गुजर रहे थे हम लोग और देखा लड्डू ने मंदिर और मंदिर में चला गया, और आज भी लड्डू मंदिर में चला गया, भोलेनाथ जी के आशीर्वाद देकर आया है, सारे भगवानों के आशीर्वाद लेके आया, ऐसा है मेरा लड्डू। बताओ, पहुँच गए घर के नीचे और बजा दी बैल, अभी तक खुल नहीं रही क्या? खुल जाएगा अभी, घंटी बजा चुके हैं और भैया आएगा, लक्ष्य आएगा तो फिर मार्टिन को लक्ष्य और मैं वहाँ लेके जाएंगे डॉक्टर की दुकान पे, क्योंकि लक्ष्य का फोन आ गया कि मम्मी आप ऊपर मत जाना, आप मेरा इंतज़ार करना, मैं भी आ रहा हूँ 5 मिनट में। मार्टिन के डॉक्टर की दुकान पर आ चुके हैं हम, और ये रहा मार्टिन, और ये रहा मार्टिन के डॉक्टर साहब, ये है मार्टिन के डॉक्टर और ये है उनकी शॉप। सही में टाइम हो गया वैक्सीन का, ये देखो ये सुंगा सांगी कर रहा है मार्टिन हमारा, ये ढूंढ रहा है क्या खाने की चीज है क्या नहीं है ना मार्टिन, मार्टिन बुरा है। और ये है शॉप इनकी, अंदर में कितनी बड़ी है, चेंज बहुत करते हो आप, मार्टिन डर रहा है क्योंकि इसको इंजेक्शन लगता है यहाँ पे, इसीलिए देखो मार्टिन को याद है क्या जा रहा जबरदस्ती मार्टिन यहाँ पर तो नलवाड़े का भी सब कुछ है, इसके यही हो रही छोटी 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 छोटी, यही तो खुजली कराते हैं, ये देखे ये जा रहे ये रहे ये रहे कितने पूरा भरा पड़ा है, तो एक बार निकाल के तो खाओ, बिठाया मार्टिन को बैठ के ऊपर, दांत लगाया क्या चेक कर लेते हैं, लगाइए कुछ ना दोस्तों, मालिक लोग कम से ज्यादा डालना शुरू करें, ये देखो पूरा जा रहा, ये देखो पूरा जा रहा ठीक है, ये अंदर है ना, मीट पैसे ये लगा रहे हैं, तीन वाला कौन है, नहीं वही तो दिक्कत है, फिर लगाओ तीन लगा दो, हां फिर वो है रिस्क लेने वाले को काटे चला गया बात क्या, अच्छा वो चेक आदि कर ली वाले कोई काले कर दिया कितने कर रहे थे तो भाई, कितने इंजेक्शन लगाएंगे मार्टिन के, चार तो ये चौथा है मार्टिन के, सब कुछ लगाना पड़ेगा एंटीबायोटिक फेस किलर, मेरे बेटे के चार ठोक दिए इंजेक्शन एंट्री, ये है मार्टिन का कार्ड बना हुआ, ये ठीक है, आज होगी 15 तारीख, अगली 15 तक लगा, ये और मार्टिन परेशान ऊपर बैठा बेटा, क्या हुआ बेटा परेशान हो गया, बाहर जल्दी जल्दी जाने की क्योंकि मार्टिन बहुत घबराहट हो रही है, मार्टिन को इंजेक्शन और निकल रहे हैं घर के लिए, घर पहुंच चुके हैं और मार्टिन को भगा दिया ऊपर, मार्टिन गया जीने से, बेटा कर रहा है ऊपर, और ये देखो दीदी ने कर दी लड्डू की ड्रेस चेंज, लड्डू को पहना दिया नाइट सूट, और वो रखी दीदी की दवाई जो हम आज लेकर आए, और ये बैठी दीदी, इसको लग रही है सर्दी, बन गया मेरा खाना और बस लड्डू अभी खेल रहा है, और मैंने करा टीवी बंद, वरना लड्डू ये देख रहा था गाने सुन रहा था, और मार्टिन को लगा दिया दर्शन, मार्टिन ने मार्टिन पोटी सुसु सब कर आया, अब बस मार्टिन को देना खाना और मैं नहाऊंगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि जहाँ पे मार्टिन को ले गए थे ना डॉक्टर की दुकान पे, उनके सामने ना थोड़ा काम चल रहा है तो पूरी डस्ट डस्ट उड़ रही थी वहाँ पर डॉक्टर की दुकान के सामने, तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे मतलब नहाना पड़ेगा मुझे, तो मैं नहाऊंगी, और कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बाय।